मां जगदम्बा सू ढेरू केवे के मैया जद तू मने जगदेव रो शीश ल्याए के देवे तो मैं थारो बेटो बनू। तो भैरू की बात सुन मां भवानी भैरू ने के बुलावे है। सवारी सजाए जगदेव और राजा जयचंद के राज ने जांचन जावे।
मैया राजा जयचंद के दरबार में जावे तो राजा जयचंद मैया ने आती देख आदर करके और मैया ने आपनी सभा रे माए बैठावे और पूछवा लाग जे के मैया काई कारण आई है। तो माँ भवानी राजा जयचंद ने बतावे कि हे राजा मैं थारे सु दान लेवाने आई हूँ। तो राजा जयचंद की सभा रे माए कोई दान देवण वास्ते तैयार नहीं हुए। राजा जयचंद की सभा रे माए जगदेव भी बैठो हो तो जगदेव माँ दुर्गा ने केवा लाग जे उठ के जगदेव ने कहा तो कर दी चोटा क्यों जिया दान तेरे को क्या चाहिए चल मेरे घर से लिया। बोला जगदम्बे भवानी की। तो माँ भवानी जगदेव सु ओलो काट ले रही है तो राजा जयचंद के मन में रीस उठी है। तो राजा जयचंद दुर्गा भवानी ने काहे के वा लाग जे ए जी तू तो भवानी मैया ये असली गवारा है मैया असली गवारा है मैया असली गवारा है ओ हाय मैया असली गवारा है मां ओ जी नौकर सू तो ओ जी नौकर घूंघट कैया सारो मां ओ जी नौकर सू तो घूंघट कैया सारो मां। ओ बोली भवानी ताने के बर
माँ भवानी ने केवण लाग जे है के तू तो भवानी मैया असली गंवार है। अरे मेरे नौकर सु घूंघट किया निकाले। केवण लागो मैया थारे जिसो मने मूर्ख को नहीं लाग्यो। मैं राजा हूं तू मेरे सु घूंघटो नहीं कियो। और जगदेव सु जको मारे 2% रो नौकर है इसु तू घूंघट कियो। तो माँ दुर्गा राजा ने बतावे के तू राजा कायर लागे और जगदेवो थासु ठाडो दानी लागे। तो माँ भवानी बोले के दातारा का मैं जस गावा राजा और कंजूसा की मैं बुराई करा। मैया केवे कि राजा जो माने दान देवे लो बी की बड़ाई करा ला। तो राजा जयचंद रीस में आए माँ भवानी ने कहे के दे राजा जयचंद ने बतावे कि राजा पहलो दान तो मैं जगदेव सु लेसु पर तने चोगुणो दान देवनो पड़ेगो। जगदेव मैया ने केवण लाग जे कि मैया मैं ई जगह काई दान देऊं। मैं तो पराई जगह खड़े हूं मेरे घरा चाल बठेसु तू दान ले ले। तो माँ भवानी जगदेव के साथ भी के घरा चली जे पर जगदेवो समझे कोनी के आपा कुण सो दान दुर्गा ने देवा। Oh,
दान में तो मांगा बुरा। तो वाचा दिवाए धने ब्रह्मा का वाचा है मैया, ब्रह्मा का वाचा है मैया, ब्रह्मा का वाचा भवानी ने केवे के मैया आया को दान में के देवू जिसे राजा जयचंद हार जा। तो माँ दुर्गा बोली के जगदेव जे तू वचन छोड़े तो मैं तेरे कनु दान मांगू। तो जगदेव वचन छोड़े है वाचा छोड़ा है मैया, वाचा छोड़ा है जगदेव कहवा लाग्यो कि मैया भगवान साक्षी है, तू मांगे वो दान में देव सी। तो माँ भवानी बतावे कि जगदेव जे तू शीश को दान देवे तो राजा जयचंद तेरे से हार गया। पर दुर्गा कहने लागी कि जगदेव आया दान में नहीं लेऊ, जे तेरी रानी तेरो शीश उतार के देवे तो मैं दान लेऊ। तो जगदेव के दो रानी ही, एक रो नाम कमोद तो दूसरी रानी रो नाम फूलवाद हो। तो जगदेव रानी कमोद ने बुझवाने जावे हाय रानी।
नहीं जावे रे राजा दियो नहीं जावे रे हो हारे राजा दियो नहीं जावे उरा अरे घोर तो नरक माही जावा उरा अरे घोर तो नरक माही जावा उरा बोला जगदम्बे भवानी की तो मैया के कहने सु जगदेव आपकी रानी कमोद कने जावे और कहने लागो के रानी मेरे शीश को दान दुर्गा ने तू दे तो रानी कमोद कहने लाग जे के हे राजा एड़ो दान महासू कोनी दियो जावे तो जगदेव दूसरी रानी फूलवाद कने जावे फूलवाद जगदेव को शीश उतार के और माँ भवानी ने देवे तो मैया जगदेव को शीश ले राजा जयचंद कने आवे और केवे के राजा मैं जगदेवा सु दान ले आगी अब क्यों नहीं थोड़ो सो दान फे भी दे दो तो राजा जयचंद के वे राजा जयचंद माँ दुर्गा ने कहने लाग जे कि मैया तू जगदेव सु के दान ले आई मने वो दान दिखाए मैया जयचंद के वा लागो कि कंगाल है वो ताई दान दे सके है तो माँ भवानी के मन में रीस उठे है और कहने लाग जे दानी घनो जगदेव राजा मैया कहवा लागी के राजा तू दान नहीं दे सके दुर्गा पल्लो हटा दे और थाली के माए जगदेव को शीश पड़ियो राजा जयचंद ने दिखावे और कहवा लागी राजा तेरी चौगुने दान की बात करियोड़ी है चार शीश लाए के तू मने दे तो राजा जयचंद घबरा जावे और कहने लागो कि मैया इतरो बड़ो दान तो मैं नहीं दे सकूं और मैं रानी ने जाए बूझू जे रानी दान दे सके तो राजा जयचंद आपरी रानी चंद्रिका ने बुझन लागो कि रानी हर आशीष को दान माँ दुर्गा ने देनो तो रानी दान देवने की बात सु नाट जे तो राजा मैया ने आए बतावे कि मैया ओ शीश को दान मासु नहीं दियो जावे बावड़ी।
जे दान नहीं दियो जावे तुम्हारी पैरा नीच की सात बार निकल जा। तो राजा जयचंद बोलियो, ठीक है मैया। राजा जयचंद मैया की बात मान, पैरा नीच की निकले तो थाली में पड़ी जगदेव की मुंडी हंसन लागी। तो जगदेव को शीश हंस तो केवा लागो कि जा रे कायर, एक शीश को दान की खातिर लुगाई की जात के पैरा की नीच की निकले। तो दुर्गा जगदेव को शीश ले भैरू कने आवे तो भैरू केवा लागो, लिया मैया मने दे जगदेव को शीश। तो मैया बोली, नहीं भैरू। तो माँ दुर्गा शीश ने पाछो जोड़े हैं, तो शीश जुड़े नहीं। क्यों बतावे के दानी दान कर दे, वो दान पाछो नहीं लेवे। तो माँ भवानी शंकर भगवान गोरखनाथ की पूजा करके और जगदेव के नारियल को शीश लगावे। दुर्गा भवानी जगदेव को शीश जोड़ के पाछी भैरू कने आवे तो भैरू बूझवा लाग जे, मैया ओ जगदेव कुण है, इको शीश तू जोड़ के कहीं आई। तो मैया बतावे भैरू ने, बतावे कि बायो अंग भैरू तू चुंगो और दायो अंग भारो जगदेवो चुंगो। मैया केवे के बेटा जगदेव तेरो भाई है। बतावे कि जद सूरज चंदा धरती आसमान पवन पानी और नौलख तारा भी नहीं है, जद कि मैं तो
सकत भवानी हूँ बेटा।